नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साईं कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F8 के यूनिट 4 से। यूनिट 4 में आप सभी को पढ़ना है पढ़ने की क्षमता का विकास, जिसका मैंने पहले से एक वीडियो अपलोड कर चुका है, जिसमें हमने जाना था कि पढ़ने की क्षमता का विकास आप कैसे कर सकते हैं। और आज के क्लास में, आज के वीडियो में हम बात करने गए कि पढ़ने का अर्थ। आज का हमारा टॉपिक है, आप लिखेंगे पढ़ने का अर्थ। पढ़ने का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। आपकी परीक्षा में जो है इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न का पैटर्न क्या रहेगा, प्रश्न का पैटर्न यह रह सकता है कि पढ़ने का क्या अर्थ है, या फिर पढ़ना आने का क्या महत्व है। प्रश्न को जो है किसी भी तरह से आपसे पूछ सकते हैं, आपसे पूछेगा अधिगम का उद्देश्य क्या है, या पढ़ने का मतलब क्या है, पढ़ना आप कैसे सीखेंगे, पढ़ना आने का क्या रहस्य है। ऐसा कोई भी प्रश्न आता है तो आप आसानी से उसका उत्तर लिख सकते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो को आप बहुत सावधानी से देखेंगे और साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते चले जाएंगे, ताकि आप परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से संपन्न कर सके। हम इकाई 4 को देखते हैं। इकाई 4 में आप सभी को पढ़ना है पढ़ने की क्षमता का विकास। तो इस इकाई को जब हम पूरा कर लेंगे, चूंकि इस इकाई का दूसरा वीडियो है, जब इस इकाई के हम सारे टॉपिक को क्लियर कर देंगे, सारे टॉपिक को समझ लेंगे, तो आप क्या क्या जानेंगे ये हमको पता होना चाहिए। आखिर इस इकाई का उद्देश्य क्या है, इस इकाई का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव में आप चाहें तो लिख सकते हैं या फिर समझ सकते हैं कि जब हम इस इकाई को पढ़ लेंगे, इस इकाई को जान लेंगे, तो हम क्या क्या समझेंगे। हम ये समझेंगे कि पढ़ने के व्यापक अर्थ, पढ़ने का व्यापक अर्थ क्या होता है ये हम समझेंगे। चूंकि ये तो हम आज के वीडियो में ही समझ लेंगे, क्योंकि आज का आपका टॉपिक ही है पढ़ने का अर्थ। तो आज के वीडियो में हम इस पॉइंट को क्लियर कर लेंगे, इस बिंदु को क्लियर कर लेंगे। इसके बाद आप समझेंगे कि बच्चों के नहीं पढ़ पाने के कारण, बच्चे जो हैं विद्यालय में पढ़ क्यों नहीं पाते हैं, बच्चों के पढ़ने के नहीं पढ़ने के, बच्चों के नहीं पढ़ने के कारण क्या है, बच्चे किस वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, आखिर वो रीजन क्या है, वो वजह क्या है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा आप समझेंगे कि स्कूलों में पढ़ने में सिखाने की प्रचलित पद्धतियाँ कौन कौन सी है। आप जब विद्यालय में पढ़ाने जाते हैं या विद्यालय में पढ़े होंगे, तो वहाँ पर कौन कौन विधि से बच्चों को सिखाया जाता है, उन विधियों के बारे में भी हम विश्लेषण करेंगे। इसके साथ ही साथ हम इस तथ्यों को भी समझेंगे कि भाषा को समग्रता में ही सीखा जा सकता है, टुकड़ों टुकड़ों में नहीं। यानी कि भाषा को हम एक ग्रुप में सीख सकते हैं, एक समाज में सीख सकते हैं, हम इसको खंड बाई खंड बांट करके नहीं सीख सकते हैं। इसके अलावा आप जानेंगे पढ़ने की संभावित प्रक्रियाओं को पहचानना, उसके उपरांत पढ़ने सिखाने की रणनीतियों का कक्षा में इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट आपका बिंदु रहेगा पढ़ना सिखाने में पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य संदर्भों या पठन सामग्रियों के महत्व को हम समझ पाएंगे। यानी जब हम पढ़ना सीखते हैं, तो जो हमारा पाठ्य पुस्तक है, जो हमारा सिलेबस है, जो हमें पुस्तकें प्राप्त होती है, उससे तो हम सीखते ही हैं। इसके साथ ही साथ बाकी अन्य जो संदर्भ होते हैं, अन्य जो रेफरेंस होते हैं, उसके द्वारा भी हम सीखते हैं। तो अन्य रेफरेंस कौन कौन है, इसके बारे में भी आप इकाई 4 में जानने वाले हैं। और अंतिम में आप सीखेंगे पढ़ने और लिखने के आपसी संबंध। पढ़ना और लिखना क्या होता है, पढ़ने और लिखने में अंतर क्या है, इन दोनों के बीच जो आपसी रिलेशन है, आपसी संबंध है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे और समझेंगे। तो चलिए, ये तो आपका ऑब्जेक्टिव था, जो कि हम यूनिट 4 में जानेंगे। यूनिट 4 में आप समझेंगे, जब आप यूनिट 4 को पढ़ेंगे, यूनिट 4 को आप हम कंप्लीट कर लेंगे, तो इन सभी बिंदुओं पर हम, आप शायद बिंदु को नोट आउट भी कर लिए होंगे, तो इन सब बिंदुओं को आप नोट आउट करके रखेंगे और एक एक बिंदु पर हम विशेष रूप से अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।
और आज के वीडियो में जैसा कि मैंने पहले कहा था, जो आपका पहला बिंदु था, आप सभी ने नोट किया होगा, पहला बिंदु में क्या था, आप कॉपी अपना देखिए, पहले बिंदु में था पढ़ने के व्यापक अर्थ, यानी कि पढ़ने का अर्थ, जैसे आपका टॉपिक किया है पढ़ने का अर्थ, एग्जाम में यदि पूछा है तो पढ़ने का क्या अर्थ है, पढ़ने का व्यापक अर्थ क्या है, तो इन सभी को आप बेहतर तरीके से डील कर पाएंगे, बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। तो चलिए हम आज के क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर पढ़ने का अर्थ क्या होता है। आप सभी हेडिंग देंगे, लिखेंगे पढ़ने का अर्थ या पढ़ने का मतलब। इसमें आप सभी को लिखना है, प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने में अध्यापकों को जो चुनौतियां झेलनी पड़ती है, उनमें सबसे बड़ी और कठिन चुनौती होती है पढ़ना सिखाना। जब हम प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, जब आप एज़ शिक्षक, जब शिक्षक बनेंगे, जब विद्यालय में पढ़ाने जाएंगे, या फिर जब आप टीचिंग प्रैक्टिस के लिए विद्यालय में गए थे, तो आपको प्राथमिक विद्यालय में भेजा गया था, तो आप गए थे तो आपके सामने विभिन्न तरह की समस्याएं आपको झेलनी पड़ रही थी। वो समस्याएं कौन थी, सबसे जितनी भी समस्याएं थी उन सब में से सबसे कठिन समस्या थी और यह था कि बच्चों को पढ़ना सिखाना। बच्चे क्या होते हैं, प्राइमरी के बच्चे जो हैं ज़्यादा उछल कूद करते हैं, ज़्यादा वो क्रिएटिव होते हैं, ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा चंचल होते हैं, तो उनको हम पढ़ना सिखाएंगे। तो सबसे बड़ी चुनौती एक शिक्षक के लिए यह होती है कि हम बच्चों को पढ़ना कैसे सिखाएं, तो सबसे ये कठिन काम होता है, सबसे हार्ड वर्क होता है। तो इसीलिए, क्योंकि क्या है, सबसे कठिन काम है, क्योंकि पढ़ना एक सहज कौशल नहीं है। कठिन कार्य क्यों है, क्योंकि पढ़ना जो होता है एक सहज कौशल नहीं होता है, आसान ये काम नहीं है, इसमें कई कौशल और बोध क्षमताएं शामिल है। पढ़ना में क्या होता है, कई सारे कौशल को जो है, एबिलिटी को इसमें शामिल किया गया, कई सारी एबिलिटी, कई सारे कौशल और बोध क्षमता इसमें शामिल होती है। या सोचने वाली बात है कि हम पढ़ने का क्या मतलब समझते हैं। सामान्यतः क्या होता है, शिक्षक यह सोचते हैं, आप सभी यह सोचते हैं कि बच्चा किताब में लिखी बातों को उसी रूप में पढ़ दे, उसे हम पढ़ना नहीं कहेंगे। यानी कि जो चीज़ें किताब में लिखी हुई है, बच्चा उसे क्या करे, हुबहू पढ़ दिया, तो हुबहू पढ़ दिया तो उसे आप क्या कहेंगे, आमतौर पर शिक्षक या आप सभी उसे पढ़ना कह देते हैं, क्योंकि किताब में जो लिखा हुआ है बच्चा उसे पढ़ दिया तो पढ़ना ही हुआ, लेकिन वो पढ़ना नहीं हुआ। तो फिर पढ़ना क्या हुआ, आप सभी सोच रहे हैं पढ़ना किसे कहते हैं, तो पढ़ना हम उसे कहेंगे कि जो किताब में बातें लिखी गई है उसे क्या करे, बच्चा पढ़े और पढ़ने के उपरांत क्या करे, वो उसका अर्थ भी समझ जाए। यानी कि कई बार होता है कि बच्चा क्या किया, किताब लिया और किताब में लिखी बातों को पढ़ना शुरू कर दिया, वो लगातार पढ़ते जाता है, लेकिन जब उसे उसका अर्थ पूछते हैं, उसका मीनिंग पूछते हैं, तो बच्चे को पता ही नहीं होता है। तो पढ़ना ये नहीं होता है, पढ़ना यह हुआ कि बच्चा जो है किताब में लिखी बातों को पढ़े तो सही, पढ़ने के साथ साथ तो क्या करे, वो उसका अर्थ भी समझे कि आखिर जो बातें लिखी गई है वो अर्थ, उसका अर्थ क्या हुआ, उसका मीनिंग क्या हुआ, उसके अर्थ को बताते हुए पढ़े, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम पढ़ना कहेंगे। पढ़ना क्या होता है, पढ़ना एक सृजनात्मक कार्य है, यानी कि पढ़ना एक क्रिएटिव वर्क है, क्योंकि पढ़ने वाला क्या करता है, सामने लिखी बातों को हूबहू उच्चारण नहीं करता है। पढ़ना को हम लोग एक क्रिएटिव कार्य क्यों मानते हैं, सृजनात्मक कार्य इसलिए मानते हैं क्योंकि सामने जो मेरी बातें लिखी गई है, जब उसे हम पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, उसे हूबहू नहीं पढ़ेंगे, बल्कि अपने अनुभव से उसका अर्थ भी हम साथ साथ बताते जाएंगे, तो उसे हम बेहतर तरीके से पढ़ना कह सकते हैं। यानी पढ़ना किसे कहेंगे, जो शिक्षक क्या करता है, वो किताब से ही पढ़ाता है, लेकिन किताब में लिखी गई बातों को हूबहू आपके सामने प्रस्तुत नहीं करता है। यदि हम ये वीडियो भी बना रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, आपके हिंदी के किताब से बना रहे हैं, हिंदी के बुक से बना रहे हैं, हिंदी के शिक्षण शास्त्र जो बुक आपके पाठ्यक्रम के लिए चुना गया है उसी बुक से हम इस वीडियो का भी निर्माण कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जो बातें आपके किताब में लिखी गई है उसका हम हूबहू
आपको नहीं बता रहे हैं, बल्कि अपने अनुभव के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उसका हम अर्थ आपको बता रहे हैं, उसका मीनिंग बता रहे हैं। तो उसे हम कहेंगे कि सृजनात्मक वर्क, क्रिएटिव क्रिएटिव वर्क, क्रिएटिव कार्य, सृजनात्मक कार्य आप इसे हिंदी में कहेंगे। तो पढ़ने की प्रक्रिया में जो क्या होती है, जो भी लिखित सामग्री है उसका हमें अर्थ ग्रहण करना है, उसका हमें अर्थ समझना है, उसके बाद उसे हमें बताना है। जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमारी आंखें और दिमाग सारे अक्षरों, विराम चिन्हों, सारे शब्दों पर ध्यान नहीं देते हैं। अर्थात पढ़ने में वाक्य के प्रत्येक हिस्से को हम नहीं देखना होता है। यानी जब आप क्लास में किताब से या बुक से किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, आप कंटिन्यू किताब को नहीं देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक किताब है, जैसे कि हम इसकी बात करें, तो जैसे कि मान लीजिए मेरे पास किताब है, ठीक है, तो यदि इस बुक को हम एक एक लाइन देख कर पढ़े तो क्या होगा, बेहतर तरीके से हम उसे बता नहीं पाएंगे। तो पढ़ाने के दरमियान करना क्या होता है, जैसे कि ये बुक है तो इस बुक में जो भी चीज़ें लिखी हुई है, मान लीजिए इसमें लिखा हुआ है कहानी, कथन तथा कक्षा, तो जब हम ये पढ़ेंगे तो एक एक चीज से देख कर नहीं पढ़ेंगे, क्या करेंगे, इसको हम एक बार देख लेंगे, फिर अपने दिमाग के, अपने अनुभव के आधार पर, अपने मस्तिष्क के आधार पर जो इस बात लिखी गई है, इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, उसके आधार पर हम सब चीज़ें आपको बताएंगे। उसमें सारे अक्षर, सारे विराम चिन्ह, सारे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि पढ़ने में जो है वाक्य को प्रत्येक हिस्से को नहीं देखा जाता है, बस हम एक नज़र देख लेंगे, उसके आधार पर वो कहना क्या चाहता है, उस शब्द का अर्थ क्या है, उस शब्द का मीनिंग क्या है, ये चीज़ें क्या होती है, क्लास में बच्चों को बताई जाती है। आप समझ पा रहे होंगे कि पढ़ने का अर्थ क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आगे आप लिखेंगे, आगे आप सभी को लिखना है कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, छोटी छोटी सूचनाओं पर गौर करना काफ़ी मुश्किल और बोझ का काम हो जाता है। यानी कि जब हम सभी अक्षरों को, सभी विराम चिन्हों को, सारे शब्दों को यदि देख देखकर पढ़ाएं तो क्या होगा, उतने सारे शब्दों को देखना एक बहुत बड़ा बोझिल काम हो जाता है, बड़ा वर्क हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, अधिकांश लोग जिस गति से पढ़ते हैं वह क्या होता, वो असंभव हो जाता। यानी कि हम ये जो वीडियो बना रहे हैं, मान लीजिए यदि एक एक शब्द को, एक एक लाइन को देख कर पढ़ते हैं, एक एक लाइन को हम किताब से हूबहू उच्चारण करके पढ़ते हैं तो क्या होता, यह वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाता, बहुत बोरिंग हो जाता, आपको भी समझ में भी नहीं आता। तो पढ़ना का अर्थ क्या निकाल सकते हैं, पढ़ना का अर्थ होता है कि जो चीज़ लिखी गई है उसके शाब्दिक अर्थ को आप बयान करें। यानी कि आप ये वीडियो देखें और समझ जाएं और अपने मस्तिष्क में इन चीज़ों को समाहित कर लें, ताकि आपके परीक्षा में जब प्रश्न पूछा जाए तो आप वहाँ पर जो चीज़ें बताई गई है वो आपके मस्तिष्क में स्मरण रहे और बेहतर तरीके से आप क्या करें, अपनी परीक्षा में सभी चीज़ों को आसानी से प्रस्तुत कर सकें। क्योंकि जो चीज़ एक बार आप याद कर लेते हैं वो कभी आप उसे भूलते नहीं हैं, और जो आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, वो आपको हमेशा याद रहेगा। जैसे परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पढ़ने का क्या अर्थ है, पढ़ने की परिभाषा क्या है, या पढ़ने से आप समझते क्या हैं, तो आप आसानी से ये वीडियो यदि आप गौर से देखे रहेंगे तो आप आसानी से क्या करेंगे, एक एक शब्द की रचना करते जाएंगे और पूरा आपका आंसर आसानी से तैयार हो जाएगा, आसानी से आप चीज़ों को लिख सकते हैं। चलिए हम आगे सब समझते हैं, आगे आप लिखेंगे कि पढ़ना आने का क्या महत्व है। कई बार परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है कि पढ़ना का क्या महत्व है, पढ़ना आने का क्या महत्व है, या वो पढ़ना यदि आ रहा है, आप बेहतर पढ़ने वाले हैं, बेहतर चीज़ों को पढ़ पा रहे हैं, तो उसका महत्व क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो आप हेडिंग दे दिए होंगे, आप हेडिंग लिखेंगे पढ़ना आने का क्या महत्व है। चलिए इस पर थोड़ा हम विस्तार से बात करते हैं, चर्चा करते हैं। इसमें आप सभी लिखेंगे कि ज्ञान का निर्माण क्या होता है, बिना किताबों के भी हो सकता है। जब हम पढ़ना की बात करते हैं तो ये भी हो सकता है कि बिना किताब के, बिना बुक के भी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए जब लिपि नहीं थी, अपना किताब कैसे लिखा जाता है, किताब जो लिखा जाता है लिपि में होता है,
जैसे कि मैंने आपको किताब दिखाया था, जैसे ये किताब मेरे पास है, तो ये क्या है, ये जो लिखा गया है एक लिपि में लिखा गया है। कौन सी लिपि है ये आपकी है देवनागरी लिपि, यानी कि हिंदी में लिखा गया है, यह है आपका देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि में इन चीज़ों को लिखा गया है। लेकिन आप याद कीजिए, जब लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था और छपाई उस समय नहीं होती थी, यानी लिपि का छपाई का आविष्कार नहीं हुआ था, विकास नहीं हुआ था, तो उस समय भी दुनिया के सभी समाजों में सांस्कृतिक एवं ज्ञान का क्या होता था, आदान प्रदान तो होता ही था। यानी कि बिना किताबों के, बिना पढ़े लिखे ही लोग क्या करते थे, अपनी समाज का आदान प्रदान करते थे, यानी कि मौखिक रूप से वो बोल करके अपने संस्कृति को, अपनी कल्चर को लोग याद करते थे और उसे समझते थे। आज भी हम देखते हैं कई ऐसे समाज हैं, कई ऐसी संस्कृतियां हैं जिसमें ज्ञान का हस्तांतरण क्या होता है, मौखिक भाषा के रूप में ही होता है। आज भी कई ऐसे समाज हैं, कई ऐसे सोसाइटी हैं जिसमें भी ऐसे कुछ ज्ञान है जिनका हस्तांतरण क्या होता है, मौखिक भाषा के रूप में ही होता है, उसे लिखित भाषा के रूप में नहीं किया जाता है, मौखिक भाषा के रूप में ही ज्ञान का हस्तांतरण किया जाता है। लेकिन आज की दुनिया में क्या है, किताबों का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, इम्पोर्टेंट रोल है बुक का आज की दुनिया में। और किताबें जो है, किताबें हमें पढ़ना लिखना आवश्यक हो गया है आज के दिन में। किताबें क्या हो गया, किताबें को पढ़ना लिखना इम्पोर्टेंट हो गया, आवश्यक हो गया है, क्योंकि समझ कर पढ़ना हमारे व्यक्तित्व को सुदृढ़ करता है, यानी कि मजबूत करता है, स्ट्रांग करता है। कोई चीज़ यदि हम पढ़ करके समझते हैं तो क्या होता है, वो चीज़ें ज़्यादा इम्पेक्ट करती है, हमारे मस्तिष्क को ज़्यादा याद दिलाती है और हमें ये आत्मविश्वास भी मिलता है। पढ़ने की जो है सक्षमता के कारण ही हम ना केवल इस सजीव संसार बल्कि इस लोक में ही पहुंच जाते हैं, जो हमसे परे हैं वो सो दूर हैं। साहित्य जो है इसका एक प्रमुख उदाहरण है। साहित्य आप सभी जानते होंगे, लिटरेचर, जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, तो क्या होता है, आप इस दुनिया से दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। यदि आप, आपको साहित्य पढ़ने का आप शौक रखते होंगे, आपको रुचि रहती होगी, जब आप कोई नॉवेल पढ़ेंगे, साहित्य पढ़ेंगे, तो जो उस नॉवेल के जो किरदार होते हैं, आप उसी के साथ क्या करते हैं, उसी दुनिया में चले जाते हैं कि जिस दुनिया में कहानी के पात्र को गढ़े गए रहते हैं, उसी दुनिया में आप भी, आपकी कल्पना शक्ति पहुंच जाती है, आप भी उसी दुनिया में सैर करने चले जाते हैं। तो हमने यहाँ समझा कि साहित्य पढ़ करके, आप पढ़ करके हम क्या करते हैं, हम इस लोक से किसी लोक में भी पहुंच सकते हैं, जो हमसे कोसों दूर है, हमसे बहुत परे हैं। साहित्य जो है इसका एक प्रमुख उदाहरण है। पढ़ना जो है जीवन के विभिन्न पहलुओं और उसके बदलते रंगों को समझना है। जब हम पढ़ना सीखते हैं, जब हम किसी को पढ़ते हैं, तो जीवन की कला को भी हम समझते हैं, जीवन के जो विभिन्न रंग हैं, जो विभिन्न पहलू हैं, उन सभी को भी हम समझ जाते हैं बेहतर तरीके से। हमारे व्यक्तिगत अनुभव भी इसमें शामिल होते हैं, जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है वो भी हमारे पढ़ने की एबिलिटी पर निर्भर करता है। यानी कि हम कोई चीज़ को पढ़ रहे हैं तो पढ़ करके उसे कितना याद कर पा रहे हैं, कितना अपने मस्तिष्क में स्टोर कर रहे हैं, वो हमारे व्यक्तिगत अनुभव के ऊपर सीमित होते हैं। इनका विस्तार जो है आप कह सकते हैं पढ़ने से ही होता है, यानी कि आप जितना पढ़ेंगे, जितने चीज़ को देखेंगे, रीड करेंगे, तो आपका जो है व्यक्तिगत अनुभव उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। यानी कि आप कह सकते हैं आप हिंदी को समझ रहे हैं या कोई चीज़ आपको पढ़ने, जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप पढ़ने में रुचि दिखाएंगे, आपका जो है अनुभव, आपका व्यक्तिगत अनुभव उतना ही तेज़ी से बढ़ेगा। किताबें जो है हमारा परिचय क्या करती है, उन अनुभव और उन विचारों से कराती है जिसमें हमें असीम बुद्धिमत्ता और परिपक्वता की झलक हमें दिखाई देती है। किताबें जब आप पढ़ेंगे, जब बुक आप पढ़ते हैं, तो बुक से क्या होता है, आप उन अनुभवों को, उन विचारों को ग्रहण करते हैं जिसमें आप असीम बुद्धिमत्ता और परिपक्वता की झलक जो है हमें दिखाई देती है। तो हम वीडियो के लास्ट में, यानी कह सकते हैं ये पूरे
वीडियो को आप एनालिसिस करेंगे तो आप कह सकते हैं कुल मिलाकर के पढ़ने की जो समर्थता होती है वो व्यक्ति के ज्ञान का विस्तार होता है, उसकी सोच व्यापक तार्किक एवं उदार हो जाती है। पढ़ सकने की क्षमता के कारण ही व्यक्ति बृहद सामाजिक सांस्कृतिक एवं साहित्यिक संदर्भों से भी जुड़ पाता है। आप सामाजिक सांस्कृतिक और जो साहित्यिक संदर्भ है उससे भी आप जुड़ पाएंगे। यदि आपको पढ़ने का शौक है, आप पढ़ने में रुचि रखते हैं, पढ़ते हैं तो क्या करेंगे, आप समाज के सांस्कृतिक साहित्यिक जो भी संदर्भ है उन सभी से भी आप बेहतर तरीके से जुड़ पाते हैं। तो आज के क्लास में हमने जाना पढ़ने का क्या अर्थ है, जैसे कि मैंने कहा ही था आपको इकाई 4 पढ़ने की क्षमता का विकास का ये दूसरा वीडियो था, और इसमें हम समझ रहे थे पढ़ने के व्यापक अर्थ, पढ़ने का क्या अर्थ है इसके बारे में हम विस्तार से बात की है। और अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम जानेंगे कि बच्चों के नहीं पढ़ पाने के क्या क्या कारण है, बच्चे जो हैं क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, इसके बारे में भी हम आप सभी के लिए बहुत जल्दी दूसरा वीडियो भी लेकर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।